जी साढ़े कुछ खास मेहमान आए हैं चल के ऑल द वे हैलीफैक्स तो, और सिमरदीप कौर हुंदल हो रही और इन्हों की पूरी टीम उ बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि जोड़ा इत गुरद्वारा है मैरीटाइम सिख सोसाइटी इन्हों की एक संस्था है वो वालों कोशिश कर रहे हैं कि उत्थे एक गुरद्वारा साहब जोड़ा उसारिया जाए। असल काफ़ी कम हो चुका है और इन्होंने पिछले जी मैंने तस्वीर भी भेजिया, लेकिन फिर भी किसी कारण करके जिस तरह आम असं देखते हाँ कि जो वड्डा काम तुसीं आरंभ करते हो तो कोई ना कोई छोटिया मोटिया इस तरह दियाँ अड़चना कह लो या थोड़ा जहा शॉर्टेज ऑफ फंड्स कह लो वो आ ही जाता है। लेकिन असीं देखिया कि जिस तरह मैं सवेरे ही गल की सी कि खालसा दीवान सोसाइटी ये वो गुरुद्वारा है जो सब तो पहला उसारिया गया ब्रिटिश कोलंबिया के 1906 या 1908 की गल मैं देख के आया, दो बार गया उ और उस तो बाद फिर लड़ीवार बहुत सारे गुरुद्वारे वक् वक् प्रोविंसेस दे विच उसारे गए, तो जिते भी सिख कम्यूनिटी आके वसी उत्थे उत्थे सब तो पहला जिहड़ा उन्होंने काम किया कि गुरु घर उसारे जाण तां कि साडी जिहड़ी रौह रीतां है और कल्ले गुरु घर जिहड़े आ असीं देखदे हां कि कल्ले धार्मिक कम्मां वास्ते नहीं बल्कि साडे रोज़मर्रा दीआं समाजिक जिहड़ियां रौह रीतां उहदे लई भी असीं उत्थे जांदे हां। सारे साडे कल्चरल सेंटर भी ने, चानण मुनारे ने, साड़ा सारा कुछ इन्हों गुरु घर जुड़िया हुआ है। तो असं बड़े भागा वाले हैं जोड़े इन्होंने व्डे व्डे शहर रहने जिते कई कई गुरु घर सानू असं जा सकते हैं, अपने नेड़े गुरु घर जिते मर्जी जाइए साढ़े को चॉइस है। लेकिन सोचो उन्होंने वास्ते जोड़े दूर दुराडे जाके वसे हुए हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है उन्होंने वास्ते कि पहला तो गुरु घर वास्ते कोई लैंड ले जाए फिर उसको उसारिया जाए उसका प्रबंध किया जाए। पर कहते हैं जी जहाँ चाह तो वहाँ राह, वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे। एक बार तुसीं ठान लो फिर गुरु साहब अपने आप बख्शिश करते हैं, तो उहदी ही एक मिसाल ये जिहड़ा मैरीटाइम सिख सोसाइटी वाला जिहड़ा गुरुद्वारा उत्थे उसारिया जा रहा गुरुद्वारा साहब उहदी काफ़ी समय तो ये इत्थे पहला भी एक दो बारी आए हैं और असी भी एक बड़ा सरकार वालों वधिया प्रोग्राम भी चल रहा है सोलर का जिहदे च मैं अक्सर गल भी करता हूँ, उहदे च वी असीं बड़े सारे गुरु घर वास्ते कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वालों भी कुछ अगर मदद आने वाले समय मिल सके तो वह भी अच्छी गल है। लेकिन ये आए हैं सिमरदीप होरी और नाल आए हैं ढिल्लों साहब साढ़े इतों के स्थानक सारे जानते उन्हें जरनैल सिंह ढिल्लों होरी गुरप्रीत सिंह ढिल्लों साढ़े रीजनल काउंसलर उन्होंने पिता जी ने ते वो भी आए हैं। पहले ढिल्लों साहब पहला तो स्वागत करते हैं जी आज। हाँ जी वाहेगुरु साहब वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह जी। जरनैल सिंह ढिल्लों बोलदा अज साडे कोल साडे गैसट कह लो फ्रेंड्स कह लो कि हैलीफैक्स तो आए ने, तो मैं तो काफ़ी देर तो बाबा जगतार सिंह होना दे नाल जो कि हिंदुस्तान तो इत्थे हमेशा आउंदे रहिंदे ने उन्हां नाल अगराई करवाउंदा हुंना, तो ये जो डिक्सी गुरद्वारा साहब है जिस दिन शुरू होया सी उस दिन मैं पंजा प्यारां विच सीगा ते वह भी कंप्लीट होया। तो इस तरह आई रिमैंबर के जो पेप गुरद्वारा बनया 1972 उदों भी प्रोफेसर उदय सिंह होना दे नाल रल के असी सारा कुछ देखिया कि अपने लोगों की शुरुआत किस तरह हुई तो किस तरह साडे गुरद्वारे गुरद्वारा साहब बने। तो अज सानू बड़ी खुशी आ कि साडे मैरीटाइम दे विच हैलीफैक्स विच साडे स्टूडेंट बहुत सारे ने, तो कोई 1000-1500 दे लागे साडी उत्थे फैमिलीज़ भी हैगियां ने, पर उत्थे गुरद्वारा साहब नहीं सी। तो बीबी जी का बड़ा धन्यवाद है कि इन्होंने शुरुआत की, तो काफ़ी गुरद्वारा साहब का कम हो गया। तो टोरंटो दे एरिया की संगत नूं असीं अज बेनती करना चाहुंदे आ कि वध चढ़ के बीबी जी का साथ देईए, तो आपां ये डोनेशन जिहड़ियां ने बीबी जी नूं देईए तां कि वह गुरद्वारा साहब जिहड़ा हैगा उस सिरे चढ़ सके। वाहे खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी फतेह जी। और मैनूं खुशी है कि हमेशा ही ढिल्लों साहब कोई इस तरह का काम होंदा है तो अगे वध चढ़ के हिस्सा पाते हैं, सानू भी नाल जोड़ते हैं। और पिछले जी मैं ये भी दस देवां कि अमृतसर जदों बहुत भयानक समा सी जदों कोविड का टाइम सी और उत्थे लोग इस तरह मौतां हो रही सी, उन्हां दे शमशान घाट पहुँचाने लई कोई इंतजाम नहीं सी, उस वेले इन्होंने मैनूं जोड़िया डॉक्टर दीवान होरां दे नाल। अज ओह दीवान डॉक्टर दीवान मेरे दोस्त परिवार वांग मेरे नाल बन गए ने, सारे डॉक्टर उत्थों दी टीम जिहड़ी है असीं भी दिल खोल के इतों तुसीं सारे ने मदद की। 25 तो 30 लाख रुपया तुरंत असीं भेज सके, तुसीं सोचो किन्नियां जानां बचियां होणगियां तुहाडे पैसिआं नाल, दवाइयां मिलियां लोकां नूं, ऑक्सीजन दे कंसनट्रेटर मिले, दो वैन असीं 6 महीने उत्थे दिन रात चलाईआं
बॉडीज ढोन वास्ते लोगों नू जिहड़े टेस्ट करवाने आए सी पिंडां तों गरीब लोग ये सारा काम होया ते उहदे लई वी ढिल्लों साहब का शुक्रिया कि इन्हां ने असल च सानू उहनां नाल जोड़िया ते एक मिशन बन गया उह ते इस तरह ही सबब बंदे आ सब तो पहले सिख नोवा स्कोशिया 1959 गजिंदर सिंह चौधरी सब तो पहले सिख जो पहुंचे से उत्थे 1968 फिर मैरीटाइम सिख सोसाइटी रजिस्टर की जी सा सिख संगत से जी बहुत थोड़े मैंबर से 1978 जी गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बनी सी जी हूँ असं कर रहे हैं 2020 तो असं स्टार्ट किया एक्सपैंड करके बड़ा कर रहे हैं जी पैरानी बिल्डिंग से 1968 बनी वह बहुत थोड़े परिवारों ने थोड़ी अपनी कपैसिटी के हिसाब न बनाई सी हूँ पहले वो दो मंजिलों 3600 स्क्वेयर फुट की बिल्डिंग से जी हूँ नवी बिल्डिंग है 22000 स्क्वेयर फुट तो तीन मंजिलों की हैगी है एक बेसमेंट भी है ये साड़ी जी ये कंसट्रक्शन 2020 तो चल रही है तो मैं उत्थे नोवा स्कोशिया 2008 तो एज ए डेंटिस्ट स्टूडेंट गई सी अपने इंडिया तो डेंटिस्ट्री करके मैरीटाइम अपने टलॉ यूनीवर्सिटी तो मैं DDS की डिग्री कंप्लीट की उस तो बाद मैं उत्थे प्रैक्टिस कर रही हूँ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हाँ तो पिछले 3 साल तो मैं कंसट्रक्शन के नाल जुड़ी हाँ क्योंकि साढ़े प्रोजेक्ट में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे अपने फंड रेज करने में साड़ी कम्यूनिटी बहुत छोटी है उत्थे जी साडे एक्चुअली सैटल्ड कम्यूनिटी है जी फंड कंट्रीब्यूट कर सकती है बहुत छोटी है पर इस टाइम से साड़ी सब तो वड्डा चैलेंज है कि साड़े कोल घट्टो घट 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स ने नोवा स्कोशिया दे विच आस पास दी प्रोविंसेस दे विच जिहड़े कि गुरु घर आना चाहते हैं जिहड़े साडे नवे इमीग्रेंट्स ने बहुत तेजी नाल वध रहे हैं पर गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बहुत छोटी होने करके सानू बहुत मुश्किल आ रही सीगियां ते मैं 2020 दे विच जदों स्टार्ट किया उस तो बाद कोविड का चैलेंज भी आ गया इस करके सानू एक तो बाद एक चैलेंज आ रहा पर सानू संगत का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलिया इस टाइम तो सानू $3,00,000 की होर लोड़ है बस असं यह चाहते हैं कि अज इस विसाखी वाले महीने के गुरुद्वारा साहब को कंप्लीट करके खोल दईए ये असं बड़े बड़ी कोशिश कर रहे हैं बड़े गुरपुरब लांघे हर बार सोचते हैं कि इस बार खत्म करके कंप्लीट करके खोल दईए पर फंडस करके जिदा होर बाकी चैलेंजस होने करके नहीं पूरा होया तो इस करके हूँ असं इस टाइम टोरंटो की संगत को अभी पाए हैं दो हालांकि टोरंटो की संगत ने सानू ऑनलाइन डोनेशन करके बहुत सपोर्ट की है हूँ तिकर काफ़ी बार सू बड़े अननोन थां तो $2,000 ई ट्रांसफर आदि रहा ने बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं पर असं इस टाइम आप आए हैं खुद चल के संगत को मिल के गुरुद्वारे में बैठ के जहाँ उन्होंने मिल के असं बेनती करिए कि सानू इस कंप्लीट करने हेल्प करो ठीक है जी और लो जी साड़ी गलबात भैन जी होर जारी रहेगी इन्हों के हसबेंड भी आए हैं भाजी होरी नाल और साढ़े होर बड़े खास मेहमान ने उन्हों का जिक्र बाद करा जान लगे उन्हों का भी धन्यवाद करा लैके आए ना वो थोड़ा सब का शुक्रिया जिस तरह इन्होंने कहा है कि संगत अपने आप संगत ने की करना जी वाहगुरु परमात्मा जरा सेवा लेंदा है तुहाडे तो और तुसी जिथे बहुत सारे चंगे कामों वास्ते अपनी नेक कमाई दे विचों हिस्सा पाते हो योगदान पाते हो इन्हां दी भी मदद करो और सिक्खी का जरा बूटा है दूर दूर तक लगा होया है ऐसिया ऐसिया थावां ते गुरु घर बने हैं असी पिछे जी जदों सोलर का काम कर रहे सी ते उदों असी कोशिश कर रहे सी पता करिए कि कित्थे कित्थे गुरु घर ने कैनेडा दे विच क्योंकि सरकार कुछ फंडिंग देने की कोशिश कर रही है जो सोलर सिस्टम लगान ते मैं हैरान हो गया भैन जी यूकॉन दे विच उत्थे भी गुरुद्वारा है मतलब तो इन्होंने साडी गलबात जारी रहेगी एक दो संदेश लैके असी तुहानूं कुछ नंबर दवांगे कॉल करन वास्ते काउंट नंबर दवांगे जो भी इनफॉर्मेशन सानूं देणगे और सिर्फ अज कल्ले वास्ते अज ही नहीं आने वाले दिनों विच भी तुसी जदों तुहाडे कोल जदों भी नेक कमाई चो कुछ भी मदद करना चाहो थोड़ी बहुती जो भी इन्हां दी हैल्प करो इन्हां ने मिशन लिया होया गुरुद्वारा साहब नूं कंप्लीट करन दा काफ़ी नेड़े पहुँच गए है थोड़ा जिहा तुहाडा होर सहयोग मिलेगा तो इन्हां दा वो काम सिरे चढ़ जाएगा ये बड़ी आस लैके तुहाडे कोल आए ने तो एक दो संदेश लैके असीं इन्हां नाल गलबात नूं जारी रखांगे स्टूडियो दे विच भैन जी होरी सिमरदीप कौर हुंदल जिहड़े कि हैलीफैक्स तो चल के आए हैं मैनूं भैन जी याद है जदों हैलीफैक्स दे विच सब तो पहला एक बार अपने बहुत ज़्यादा वड्डी कम्यूनिटी आई सी उदों लोग लैंड किए सी उन्हां चों काफ़ी लोग हुण टोरंटो सैटल हो चुके हैं उदों इत्थों अपनी कम्यूनिटी गई सी उन्हां नूं उत्थों सैटल करवा के उन्हां नूं प्रॉपर उन्हां दा रहण दा उदों अपनी काफ़ी संगत इत्थे स्ट्रोंग सी इस करके हैलीफैक्स पर मैनूं यह नहीं पता क्यों क्यों उतरे तो जदों भी उस वेले दे जिहड़े साडे भैन भरा इत्थे उदों दे सैटल होए उह दसदे हुंदे आ कि हैलीफैक्स बड़ी अपनी उस वेले कम्यूनिटी आई सी हाँ जी तो तुसीं कुछ दसना चाहोगे ढिल्लों साहब एक दो मिनट लई
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਉਹ 86-87 ਦੀ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕੁਛ ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਹ ਕੋਈ 10,000 ਸੀ, ਕੋਈ 5,000 ਸੀ, ਕੋਈ 8,000 ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ 90 ਬੰਦੇ ਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਜੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਲ ਆਫ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, maritime6@gmail.com। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ maritimesikhs maritime6@gmail.com। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਟੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕਰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਕਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ 1968 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ CRA ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ maritime6society.ca 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ GTA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 10 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ maritime ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਏ। maritime 6 ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9024770008, 9024770008, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, 9022233345, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ maritime 6 ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 902-223-3345, ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੋ। ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 902-223-3345, ਅਤੇ maritime6@gmail.com, ਇਹ ਈਮੇਲ ਹੈ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਸ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि प्लीज़ इन्हों की हैल्प करो। बड़े सालों तो साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, गलबात करते रहते, कई बार इन्होंने कहा जी आना है, आ नहीं सी पा रहे कोविड करके, तो हूँ आए ने। तो ये मैं पूरी उम्मीद है कि जी सा टोरंटो की संगत है इन्होंने निराश नहीं करेगी, जिस आस न आए है वह इन्हें आस में पूरी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैन जी, और वाहेगुरू की फतेह जी, और कोशिश करा कल तो फिर दोबारा जो टाइम समा मिल सकिया तो कल भी गल कर लेंगे आप। और जो थानू कोई क्वेश्चन मैनू पूछना तो मैनू भी कॉल कर सकते हो 905-461-4000 416-895-5523 दो नंबर है, तुसीं सानू भी कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, मेहरबानी जी। और साडे एक बड़े खास मेहमान आए ने जी पीर पुलिस तो, ये उत्थे ऑफिसर ने और इन्हां दे नाल चल के लैके आए ने, तो मैं तुहाडा भी पहला तो स्वागत करना चाहवांगा जी। तुसीं दो मिनट लई संगतां नू अपील करना चाहो, एक दो मिनट लई। हाँ जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। मैं तो जी अपने लिए यही अपील करूँगा कि बहुत इन्होंने उपराला कर रहे उत्थे इन्नी दूर बैठे हैलीफैक्स के, नॉर्मली चलो आप इस एरिए अपनी संगत काफ़ी आ, पर मैं यही सारा अपील करूँगा कि प्लीज़ इन्हों की हैल्प करो। असं उतों भी जिनी कोशिश कर रहे हैं भी अपने कोलीग्स वालों अनऑफिशियली भी ऑफिस वालों भी जिन्ना भी मैं कर सकता जरूर करूँगा जी, पर प्लीज़ मेरा नाम है बलदीप औजला, तो मैंने भी तुम फोन कर सकते हैं तो या सियानी साहब कर सकते हैं, थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ इन्हों की हैल्प जरूर करो जी। थैंक यू जी। असल दे विच जी क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर ने तो मैं इस करके ना थोड़ा देन तो झिझक गया सेगा, पर साड़ी कम्यूनिटी के मैंबर भी ने, बलदीप औजला साहब नूं सारे आपां जानदे हां एज ए सर्जेंट, ये पीर पुलिस दे विच बड़ियां शानदार सेवावां निभा रहे ने और ये स्पैशल चल के आए हैं। सरकारी जॉब एक पासे, लेकिन आपां कम्यूनिटी दे भी नाल नाल मैंबर हाँ, उन्ना ही बराबर आपां इस कम्यूनिटी का हिस्सा हाँ। तो बलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा आने लई, और तुहाडा भी सारिआं दा शुक्रिया जी, भाई साहब भी आए हैं जी, तुहाडा भी शुक्रिया, और तुहाडे नाल कल भी गल करांगे। थैंक यू जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।